क्या हुआ, क्या टाइम हुआ? 8 बजे। कितना अच्छा है ये, पूरी रात जाग के मुकम्मल जो किया मैंने। जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझसे तैयार है। आह, ये सोच है क्या? हाँ हाँ, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे भाई। चलो चलो जल्दी से खाओ, ठंडा हो जाएगा वरना। चाय नहीं बनाई क्या तुमने? क्या तुम पियोगी? हाँ हाँ। मम्मी, तुमने इसको कैसे धोया? इसमें तो गोश्त की स्मेल आई जा रही है। क्या सच में? मैंने इसे 2 बार धोया बेटा, लेकिन इसमें तो डीजल की स्मेल आ रही है। मेरे ख्याल से ये कपड़ों से नहीं, तुम्हारे हाथों से आ रही है। छोटी रुको 1 मिनट। ये लो, ये तो आपके हैं ना? रख लो, मैं संभाल लूंगी, तुम परेशान ना हो। अच्छे से पढ़ना, रात को मिलते हैं। हाँ हाँ। तुम काम पे जाओ बेटा, तुम्हारे लिए अच्छा है ये, जाओ। नहीं मम्मी, ये मैं कैसे करूँगा? अम्मी, भाई, क्या है? मेरे पास पैसे खत्म हो गए। देखो मेरी बस आ गई, बाय बाय। हाँ, तब्बू के सामने तो बहुत तुम्हारी जुबान चल रही थी, अब क्या हुआ? हाँ बताओ। देखो, छोड़ो इस इंडस्ट्री को, कोई जॉब ढूंढो, हमारा घर तुम्हारे डिप्लोमा से नहीं चलेगा, समझ आई? बहुत शुक्रिया आपका। तुमने ही कहा था कि हम पढ़ेंगे भी और साथ काम भी करेंगे, अब क्या हुआ? बिल्कुल जुबान सर, मैं यहाँ रख दूँ? टेबल पे रख दो और चली जाओ, ठीक है? क्या उन्होंने कुछ कहा? नहीं, उन्होंने टेबल पे रखने को कहा। चलो हम साथ चलते हैं, वैसे भी 3 घंटे फारिग ना आ जाओ। इस्तांबुल जाने गए हम? नहीं, मैं जॉब ढूंढने जाऊँगी आज। क्या तुमने इश्तहारात देखी आज? नहीं। चलो वहाँ देखते हैं। Thank you.
जो मुझे चाहिए। मुझे मिल गया सच। सी यू। हाँ एक्सक्यूज मी, मेरा नाम याज है, जो लड़की जिस तुम हेलो बोल रही थी। कौन? फिरोजे। क्या क्या खूबसूरत है। मेरा मतलब उसका नाम। किस सेक्शन से है वैसे वो? बहुत अच्छा दिन है आज तुम्हारा, आर्किटेक्चर से है। थैंक यू थैंक यू। हेलो, मैं बस इलेक्टिव कोर्स में था तो मैंने टीचर से बात की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मैं चेंज करवाना चाह रहा हूँ सेक्शन। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं वो चेंज करवा लूँ? मैं देखती हूँ। और हाँ, आपकी इंटर्नशिप फाइल नहीं आई अभी। आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली आज। क्या हुआ मेरी बच्ची? अगर आप मेरी जेब में पैसे नहीं रखते तो मैं आज इंटरव्यू नहीं पहुंच पाती। किस किस्म का इंटरव्यू है? जॉब के लिए। इससे मेरी कुछ मदद हो जाएगी बाबा? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें काम करने की। मैं कुछ भी सेल करूँगा लेकिन तुम्हें आर्किटेक्चर बनाऊँगा मेरी बेटी। मैं दोनों संभालूँगी बाबा, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी बाबा। ग्लव्स कैसे लगे आपको बाबा? हाँ ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें वो पैसे इसलिए दिए थे ताकि तुम इतनी सदी नहीं मेरी बच्ची। मैं बाद में ले लूँगी बाबा। जी आप फोर्थ फ्लोर पे चले जाइए। एक घंटे में इतने लाइक्स भाई, आपको मेरे मैसेजेस देखने चाहिए। वेरिक मेरा टाइम जाया नहीं करो तुम। ओह मैच तो देखो जरा। मिस्टर एटन, मैं लैला, अहमद सरनिश की बीवी। तुम्हारी बहन मेरे शोहर के साथ है। मैं समझा नहीं। मैंने कहा उनकी तस्वीर है मेरे पास, अपनी बहन को संभालो वरना मैं ये तस्वीर मीडिया को दे दूंगी। दूर रखो उसे मेरे शोहर से। अरे भाई, इसने तो आपका नंबर मांगना शुरू कर दिया, देखो जरा। इधर आओ तुम बैरी, अंदर चलो। मैंने कहा अंदर चलो। क्या हुआ भाई, आखिर हुआ क्या है भाई? इधर बैठो तुम। आखिर मैंने किया क्या है भाई? तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो बैरिक, बताओ मुझे। और क्या किया मैंने? वो शख्स शादीशुदा है, शादीशुदा और तुमसे कई गुना ज्यादा बड़ा है। इस बारे में बात कर रहे हैं आप? अच्छा, तो अब तुम्हें समझ नहीं आ रही तो ये क्या है बैरिक, क्या है ये? ये सिर्फ एक बार था भाई। देखो बात ये नहीं कि ये एक ही है। मैंने कहा एक बार था भाई, इसके बाद कुछ नहीं है। देखो अब तुम इस घर से कदम बाहर नहीं रखोगे, समझ गई तुम? और कोई दोस्त नहीं आएगा यहाँ पे, कोई नहीं तो कोई नहीं। अरे ये क्या बात हुई, एक बार बात तो सुने भाई। भाई बात सुनिए, ये सिर्फ एक मुझसे एहसास था। तुम्हें कोई भी एहसास नहीं है, तुम एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती हो, इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। सर उसको बताओ गाड़ी निकाल ले और बैरिक को घर छोड़ के आए।
ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं हो सकता। आप भी मेरे पापा की तरह, बिल्कुल पापा की तरह। रुको तुम, देखो अगर तुमने उसके कॉल की और उसके बारे में पूछा और उससे बात करने की भी कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। मेरे ख्याल से समझ गई होगी तुम। क्या तुम ठीक हो? मिस फेरी, क्या आप ठीक हैं? आर यू ओके? दूर बैठ जाए। पानी पानी लाओ कोई, इसके लिए पानी। डेरिक, डेरिक, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं तो मरी गई थी भाई, गाड़ी लग जाती है मुझे, इसने मुझे बचा लिया, इसने बचाया मुझे। हैव अ गुड डे मैम। अम्मी क्या हुआ? पता नहीं बेटा, शायद ये तुम्हारे लिए आया है। भाई ये क्या है? मैं भी यही देखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा। दिखाओ तो जरा मुझे। बेटा क्या तुम्हें भूख लगी? अम्मी आप तकलीफ नहीं उठाए, मैंने खा ली है। चलो मैं अब काम पे जाता हूँ। मैं तो ये सोच के आ गया कि शायद आप लोगों को किसी चीज की जरूरत होगी। भाई यहाँ पे एक नोट है। किस किस्म का नोट है? वो आदमी जिसने मेरी जान बचाई, शुक्रिया मेरे चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए। बीडी। यहाँ पे एक फोन नंबर भी है। अरे वाह, ये बीडी कौन है? शायद ये गलती से आ गया, ला दो मुझे वापस करो। इस गलती को समझ नहीं पा रहा, इसका वेट तो करने दो जरा। छोड़ो इस लड़की, ये बहुत महंगा है, आधा मैं लूंगा। तुम दोनों छोड़ो, इसे मुझे दे दो, तो मुझे इधर इसे वापस भेजेंगे, हमारा नहीं है। कल तुम पहला काम ये करोगे कि इसे वापस भेजोगे, समझ आई? मम्मी मैं जा रहा हूँ। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? ये क्या है? पुराना कोट है बाबा का। हाँ वही जो जल गया था। हाँ थोड़ा सा ही जला है ये, मैं इसे ठीक कर दूंगी और यूनिवर्सिटी पहन के। अच्छा ठीक है, जल्दी से सो जाओ। अब रोशनी तुम्हारे भाई को तंग कर रही है, उसे काम पे भी जाना है। ठीक है। अम्मी बाबा का कोट कहाँ है जो मैंने रात को ठीक किया था? वो देखो माशाल्लाह, मेरी जान कुर्बान मेरे बच्चे पे। अम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, फिर मुझे अपना हाथ का बोतल लेना है। सर्दी से बचना मेरे बच्चे, बीमार ना हो जाओ कहीं तुम। हाँ मैं सुन रहा हूँ। लो तुम इसे रखो,
और उसे तहमीर खान होल्डिंग तक पहुंचा देना। ठीक है भाई जान। देखो तुम भूलना नहीं इसे। शाम को आपको पता लगेगा कि ये पहुंच गया है उधर। नोट में क्या लिखना है? कुछ भी नहीं लिखना देखो नोट में। ठीक है? ठीक है भाई जान। मुझे गिफ्ट की बहुत खुशी हुई। ये भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है अयाज। हाँ विरसल मैम, आपके लिए एक पैकेज आया है, उसे खोलो और देखो उसमें क्या है। एक नोट है सिर्फ, अयाज कोर्कमास की तरफ। तोहफा देख के खुशी हुई, ये तुम्हारी तरह खूबसूरत है। शुक्रिया। ओके बाय। ठीक है भाई जान, मेरा एक हाथ पे काम और दूसरे हाथ में मोबाइल है, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप जानते हैं। आप ऐसे करें उसे मेरा नंबर दे दें, उसे कहना मुझसे रब्ते में रहे। ओके भाई जान। अगर तुम मेरी हो तो मुड़ के देखो मुझे। यस, ये हुआ।